देश स्वतंत्रता दिवस को मनाने में लगा हुआ है, वहीं राजस्थान प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी जो यहां पे हनुमानगढ़ में धरने पे बैठे हैं और आज इन्होंने सामूहिक उपवास की भी घोषणा कर रखी है। स्वतंत्रता दिवस इन्होंने यही तिरंगा फहरा के मनाया है और राजस्थान सरकार के खिलाफ लगातार 8 तारीख से यहाँ बैठे हैं और राजस्थान सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांगे अभी तक मानी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जिलाध्यक्ष है मंत्रालय कर्मचारियों के। हम आपको बता दें पूरे राजस्थान प्रदेश भर में 65,000 मंत्रालय कर्मचारी हैं और 53,125 डिपार्टमेंट जो है अभी इससे प्रभावित चल रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर क्या मामला है और इनकी मांगे क्या हैं और हम जानने का प्रयास करें। इंद्रजीत जी, आपके असल में मांगे क्या हैं और आपकी सरकार ने अभी तक कहां तक आपकी मांगे पहुंची और क्या वार्ता सरकार से चल रही है? हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें राजस्थान सचिवालय के बराबर वेतन और 3600 ग्रेड पे और जो 2800 ग्रेड पे तक सरकार ने अभी 28 सात को जो ऑर्डर किए हैं उसको हमें रुकवाने के लिए हमने 3 सूत्री मांग को लेकर के जो हमारी पिछले काफ़ी लंबे समय से हमने 2 सितंबर को भी रैली की थी जिसमें 50,000 मंत्रालय कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे, तो सरकार ने हमें झूठा आश्वासन देकर के डर लौटा दिया। उससे मंत्रालय कर्मचारियों को काफ़ी आक्रोश आ गया भी, तो उसके पश्चात में हमने काफ़ी प्रयास किया सामूहिक पहले भी हमने असल में ये मांगों की तरह मतलब ऐसी कौन सी मांगें हैं जो सरकार ने मतलब मानने से मतलब अभी इसको हिचकिचाहट कर रही है, आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें इसलिए लग रहा है कि ग्रेड पे 3600 और सचिवालय पैटर्न में जब हमारी नियुक्ति बराबर होती है तो वो अलग अलग मंत्रालय कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, जबकि समान काम समान वेतन होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के मंत्रालय कर्मचारी काफ़ी लंबी समय से 40 भी अभी जैसे मान लो 8 तारीख का जैसे आपने बताया वित्त विभाग से रिपोर्ट मांगी है राजस्थान सरकार ने, अगर वो रिपोर्ट और आगे जाती है तो आपने 17 तारीख तक इसकी घोषणा कर रखी है, 17 तारीख के बाद में आपका क्या अल्टीमेटम रहेगा? नहीं, हमने 17 तारीख तक कर रखी है, अगर यदि सरकार हमारी सकारात्मक निर्णय निश्चित नहीं करती है तो हम इसको अनिश्चितकालीन के लिए कर देंगे। जैसे प्रदेश कार्यकारिणी का जैसे आह्वान होगा हम इसको आगे अब की बार मंत्रालय कर्मचारी जो पीछे नहीं हटेगा। 40 वर्षों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई भी सरकार हमारी मांगे कोई तवज्जो नहीं दे रही, हर बार हमें हमने देखा 65,000 कर्मचारी जो आज हैं राजस्थान सरकार के वो कहीं ना कहीं निराश नज़र आ रहे हैं राजस्थान सरकार से। उनकी मांगों को लेकर अभी तक सरकार वास्तव में कुछ साफ जाहिर नहीं कर पा रही है और अगर इसी तरह से रहा तो इन्होंने साफ कर दिया है कि हम आगे की रणनीति अनिश्चितकालीन पड़ाव भी हो सकता है और भूख हड़ताल भी हो सकती है। हनुमानगढ़ से A1 TV रिपोर्ट, कुलदीप शर्मा।